हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। सपक्ष पार्टी द्वारा आज प्रेस वार्ता में सहारा कंपनी द्वारा जो निवेशकों का पैसा हड़पा हुआ है। सपक्ष पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात सहारा एवं गृह मंत्री तक पहुंचाई। अगर सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया तो सपक्ष पार्टी द्वारा तहसील जिला स्तर पर आंदोलन करने को विवश होगी। सपक्ष पार्टी मध्य प्रदेश में, भैया शांत रहना पीछे, सहारा इंडिया के खिलाफ एक आंदोलन चला रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में लोगों का जमा है, जिसमें अभी तक 29,000 करोड़ रुपए का 2900 करोड़ रुपए का भुगतान करीब विगत 3 साल से बकाया है। सारा इंडिया न तो भुगतान कर रही है और न उस पर कोई विकल्प दे रही है। 3-3 महीने, 4-4 महीने का समय दे रही है और आश्वासन के अलावा किसी भी जमाकर्ता को या फील्ड के अभिकर्ताओं को कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। सारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने सपाक्स पार्टी को एक आवेदन दिया है कि हमारे सहयोग करें। सपाक्स पार्टी उन कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चलाएगी। उसके पहले सारा इंडिया को इस बारे में अवगत कराना चाहती है कि 15 दिन के अंदर अगर उन्होंने जमाकर्ताओं का भुगतान की प्रक्रिया नहीं की तो पूरे तहसील स्तर पर प्रदर्शन होगा और आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदेही भारत सरकार की होगी और मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि इतने दिनों से मध्य प्रदेश सरकार ने ये नहीं जाना कि जमाकर्ताओं का पैसा सारा इंडिया ने लिया है। सारा इंडिया की एक भी संस्थापक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभिकर्ता हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनको प्रशासन लगातार परेशान कर रहा है और उन पर FIR कर रहा है। इसके लिए सारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए और जमाकर्ताओं के ध्यान में रखते हुए सपाक्स पार्टी उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, और जब तक सारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा सपाक्स पार्टी आंदोलन करती रहेगी। और हमारे सारा इंडिया के संस्थापक श्री सुब्रत राय सहाश्री होंगे, क्योंकि जनता ने 42 साल से एक एक पूंजी जमा करके, एक एक रुपये जमा करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ा था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार शायद तो सारा इंडिया ने उनको कुछ इस तरीके से लोभान्वित किया हुआ है, जिससे सारा इंडिया के संस्थापक या डायरेक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सारा इंडिया 15 दिन का समय देती है सपाक्स पार्टी। अगर भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो हम पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। सर, कितनी राशि होगी जो सारा इंडिया हड़प कर बैठी है और कितने निवेशक है जो इसके पीड़ित है? सारा इंडिया मध्य प्रदेश में करीब 80 लाख निवेशक है और करीब अभी जो परिपक्वता राशि है, छोटी भुगतान राशि, वो करीब 2900 करोड़ रुपए की है और 50,000 एजेंट जो कार्य करते हैं वो एक एक पैसे को मोहताज है। न तो सारा इंडिया ने उनके बारे में सोचा है, न मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके बारे में सोचा है कि 2 साल से कोरोना के पीरियड में उन्होंने अपने घर कैसे चलाया होगा, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था कैसे की होगी, एक एक रुपये को मोहताज है। उनके ऊपर 2 तरीके का दबाव है, एक तो निवेशकर्ताओं का दबाव है और एक प्रशासन का दबाव है। तो सारा इंडिया के जो कार्यकर्ता अभिकर्ता है मानसिक रूप से इतने परेशान हो गए हैं कि कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। सर, अभी तक किस तरह की कार्रवाई अभी तक सारा इंडिया पे हुई है? अभी तक सारा इंडिया पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है किसी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, इसलिए सपाक्स पार्टी उसी आंदोलन के लिए आगे आई। तो प्रदेश सरकार से सर आपको कुछ आश्वासन मिला है या कुछ सहारा मिल रहा है क्या? प्रदेश सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, अगर मिला होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जनता के बीच आवाज उठाने के लिए 2 ही कदम होते हैं, या तो कोर्ट है या मीडिया।
तो मीडिया के भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ को बुलंद करें और सारा इंडिया के जो जमा करता है और हमारे कार्यकर्ता उनका सहयोग। आपकी अगर आगे बात नहीं सुनी तो हर तहसील स्तर पर हम आंदोलन करेंगे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। पिछले 40 सालों से एक राज्य और केंद्र सरकारों के संरक्षण में चल रही इस तरह की कंपनियों में अपना निवेश करती आई और राज्य सरकारों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अभी भी सारा की ऐसी कोई संपत्तियां हैं जिनका राज्य सरकार कार्रवाई करके उसको अटैच कर सकती है। आज दो तरह की स्थिति है, निवेशकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है और जिन व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था 50,000 से अधिक लोग जो रोजगार पाए हुए थे जिनके माध्यम से पैसा जमा हुआ उनकी सेवाएं समाप्त हो गई है और उन पर बहुत ज़्यादा दबाव। तो ये ऐसी स्थिति में जिस तरह एक बार पहले भी सुब्रत राय जेल में जा चुके हैं और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने उस समय कार्रवाई की थी, हम अपेक्षा करते हैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और बड़बोले मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश की जनता जो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ जनता का पैसा फंसा हुआ है उसमें कुछ त्वरित कार्रवाई करें। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आम जनता में ये संदेश दिया जाएगा कि हमारा जो पैसा है जो उन्होंने मेहनत से बचत करके जमा किया है अपने भविष्य के लिए, वो पैसा अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये राज्य सरकार का निकम्मापन होगा। आज ही आपके लोकतंत्र के जो पहरी है हमारे किसी समाचार पत्र में मैंने एक समाचार देखा है जिसमें पुलिस ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है कि इस तरह की चिटफंड कंपनियों के बारे में वो कुछ सामाजिक सरोकार करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए जो आपराधिक प्रवृत्ति का जो कृत्य हुआ है और जिन व्यक्तियों ने पैसा लेकर पैसा खा गए हैं उनके विरुद्ध समझौते से कार्रवाई नहीं होगी, उनके विरुद्ध जब तक दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार अपना नहीं करेगी तब तक ये सारी स्थितियाँ निर्मित होंगी। और हमको बगैर सरकार की अनुमति के चिटफंड या जमा करते कंपनियां कैसे काम कर लेंगी। इस सरकार में, इस भाजपा सरकार के पूर्व में एक मंत्री रहे ग्वालियर अंचल के, उनके दामाद ने भी चिटफंड कंपनी चलाई, बहुत लोग पीछे लगे तब वो जेल में गए, वो पिछले चुनाव भी हार गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है और राजनीतिक दल चूंकि उनसे चंदा वसूली करते हैं। सपाक्स पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुद्दों के लिए जनता के बीच में जाती है। ये इतना प्रबल मुद्दा था कि इसको आपके माध्यम से सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई कम से कम आम जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको दिलाने के लिए कुछ ऐसा निर्णय करें, ऐसी कुछ कार्रवाई करें शासन के माध्यम से जिससे राज्य सरकार की सार्थकता सिद्ध हो। ठीक कि भाई आप जो चंदा लेते हैं ये पिछले होती जनता को पता होना चाहिए कि आपने सहारा इंडिया से भाजपा हो या कांग्रेस बड़ी पार्टी ने कितना चंदा लिया है तो पता चलेगा कि भाई आप शरण क्यों देते हैं, आप उन चुनावी चंदा लेते हैं शरण दे रहे हैं। तो क्या आपका दायित्व है कि आप बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बचत कीजिए, भले भले विज्ञापन दिए जाते हैं करोड़ों रुपये के, जनता जब बचत करती है तो आप ये देखते हैं कौन सी कंपनी पैसा लगा रही है उसकी गारंटी क्या है और बचत आपकी क्यों करता है। बचत अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए करता है। जब देखता है कि कुछ नहीं हो सरकार के शरण में ही लोग पैसा खा रहे हैं तो सबसे पहले ये जवाब आना चाहिए कि आपने कितना चंदा लिया और सहारा ने कितना चंदा इन पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव में दिया है। 18 साल से सहारा इंडिया में काम कर रहा था और आज सहारा से भी विवाद के कारण जो कि 9 वर्षों से चल रहा है जिसके कारण आज मैं पिछले 3 साल से बेरोजगारी की कगार पे हूँ। पिछले 2.5 से 3 साल से मुझे सहारा इंडिया से ना तो संरक्षण प्राप्त हुआ है और ना ही किसी प्रकार की मुझे सहारा श्री सुब्रत राय ने ना ही किसी प्रकार के भुगतान की कोई मदद की। और मैं अपने पिछले 24-25 वर्षों से जिस मकान में रहता था आज उस घर पर मेरा जाना और रहना मुश्किल हो गया है। लोगों को आपने जिस तरीके से कहा बंदर सामने की पद प्रतिष्ठा जो आपकी समाज में वो भी ख़त्म हो गई है, हम लोग कहीं जाना आना मुश्किल। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि हम लोग अपना घर से हमारा पड़ोसी जिसका हमने पैसा एक विश्वास के साथ सहारा इंडिया में जमा करवाया था वो आज हम निकलवाना मतलब इतना मुश्किल हो गया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और जैसा कि हर आदमी हमारे मध्य प्रदेश में 50,000 कार्यकर्ता हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, 2 वक्त की रोजी के लिए काम करते हैं। रोजी रोटी तो हम लोगों की छिन गई है, अब हम कहीं दूसरी जगह काम भी नहीं कर सकते
और निवेशकों का हम लोगों के ऊपर इतना दबाव है, इतना दबाव है कि हम उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे, हम नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। और कई कार्यकर्ता आज ग्वालियर क्षेत्र कहीं पर भी किसी भी एमपी में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, 10 से 20 कार्यकर्ता हर जगह सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, और हम लोग भी उसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर जल्द से जल्द माननीय मोदी जी, अमित शाह जी एवं हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी इस केस का निराकरण नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश में 50,000 कार्यकर्ता हैं, तो कम से कम 20 से 25,000 कार्यकर्ता और आत्महत्या की कगार पर चले जाएंगे। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि रोजगार हम लोगों का अभी बचा हुआ है, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, हम लोगों का रोजगार बचा नहीं है, रोजगार छिन चुका है। जिस व्यक्ति को 3 साल से 1 रुपये की आवक नहीं हुई हो, वो अपना घर परिवार, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा? निवेशकों का डर, प्रशासन हम लोगों के ऊपर FIR कर रहा है, हम लोगों को पुलिस में बुलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार बाजार में किया जाता है। हम किस तरीके से काम करें अभी बताएं, कोई नया काम कर नहीं सकते, पुराना काम जो किया 18 साल से वो पैसा फंसा हुआ है लोगों का, अब हम क्या करें? आप मुख्यमंत्री जी, मोदी जी और अमित शाह से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इस केस का निराकरण किया जाए। शहर के सारे तमाम फील्ड वर्कर सपक्ष पार्टी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी की एक ही मांग है कि भुगतान समय से होगा। आज गरीब से गरीब वर्ग हमारा छोटा से छोटा जमा करता जो कि बूंद बूंद करके उसके पैसे इकट्ठा किया हुआ है सारे इंडिया में, वो आज संस्था के प्रति और हमारे प्रति आज भी समर्पित है जमा करता, परंतु उसकी मेहनत का 1 रुपये नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत परेशान है जमा करता ताकि उसका समय से भुगतान हो, सभी की यही मांग है हमारी कि समय से भुगतान हो सभी का। सर किस प्रकार सारा सेवी का विवाद चल रहा है पिछले 8 वर्षों से, उसमें जमा करता पिस रहा है और कार्यकर्ता भी पिस रहा है। जमा करता कार्यकर्ता के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भैया हमारा पैसा दिलवाइए आप, हम कहते हैं संस्था का अभी इम्बार्गो लगा हुआ है संस्था के ऊपर, सारा सेवी का विवाद पिछले 8 वर्षों से चल रहा है, जो कि सर्वोत्तम न्यायालय में न्यायाधीश है जो अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि गरीबों का ध्यान रखते हुए उनकी मेहनत का पैसा दिलाया जाए। जब आप कहते हो कि सारा इंडिया चिटफिट कंपनी में नहीं आती है, फिर कार्यकर्ताओं पर क्यों कार्रवाई हो रही है? किस प्रकार की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर हो रही, क्या परेशानी आ रही है? FIR हो रही, कार्यकर्ता आज बहुत परेशान है, आए दिन जमा करता उसकी दरवाजे पर आता है और उनके सामने बेइज्जती करता है, मेरा पैसा दिलवाइए आप, परंतु हम भी मजबूर है। आज संस्था ईमानदार है, कहीं से संस्था चोर नहीं है, बट सहारा सेवी का जो केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो पिछले 8 वर्षों से चल रहा है, इस वजह से सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर पा रही, क्योंकि पूरी संपत्तियां पर उस पर रोक लगी हुई है, ना तो संस्था कोई संपत्ति बेच पा रही है ना भुगतान कर पा रही है। किससे नाम बता दीजिए? सतीश जैन, भोपाल। मैडम का ले लेना, लेकिन काफी समय से हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि महिला होने के बाद हमारा बाहर निकलना मुश्किल है, घर में रहना मुश्किल है, एक वृद्ध होने के बाद में हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है कि ना तो मेंबर को हम संतुष्ट कर पा रहे हैं, ना हम ऑफिस में मिलवा पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह यही बोला जा रहा है कि आपने पैसा लिया आप पैसा दो, जबकि पैसा कंपनी में जमा है, हमारे घर में नहीं, उसके बाद हम लोगों को गालियाँ सुनना पड़ रही हैं। और सहारा से ही न जाने कब तक पैसा देंगे और कब तक हम लोग इतना परेशान होंगे, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, ऑफिस में भी जो अधिकारी लोग मतलब इतने परेशान हो चुके हैं, वो भी अपना रिजाइन देकर जा रहे हैं, हम लोगों को कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। ये पूरे मामले लेकर तो आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी खराब हो रही है। वो तो सब बर्बाद हो ही चुकी सर, हम लोगों मतलब घर में भी इतने मेंटल डिस्टर्ब हो चुके कि ये लगता है कि आत्महत्या करना इससे ज़्यादा अच्छा है, इसमें हम लोग मतलब फंस चुके हैं काम करते करते। इस पूरे मामले लेकर आपके जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ग्लानी। बच्चे तो टेंशन की वजह से सब अलग है, हम ही दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जो कि हम लोगों का मतलब जीना मुश्किल है, घर में रह रहे हैं, हम कैसे रहते हैं हम लोगों को मालूम है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग।